हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बूस्टर बाय अजय सर। चलिए इस वीडियो में देखते हैं चैप्टर वन स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। तो इस वीडियो में हम देखेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन कब आया, 2021 में आया है, ठीक है। और ये है क्वेश्चन नंबर 16। बाकी क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, आप वहां से देख सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लीएस्ट नंबर ऑफ सिक्स डिजिट विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। आपको एक सिक्स डिजिट का लीएस्ट नंबर यानी छह अंकों का छोटा नंबर आपको पता करना है जो कि परफेक्ट स्क्वायर होगा। फिर आगे बोलता है ऑल्सो फाइंड इट स्क्वायर रूट, ठीक है, और उसका आपको स्क्वायर रूट भी निकालना है। तो सिक्स डिजिट का लीएस्ट नंबर देखते हैं। सिक्स डिजिट लीएस्ट नंबर, ये क्या होता है, सबसे पहले आप देखेंगे कि सिक्स डिजिट का लीएस्ट नंबर हमको यहाँ पे कौन सा मिलेगा। ये आप छोटे क्लास में पढ़ चुके हैं, वन लिखेंगे और इसके आगे फाइव जीरो लगा दें, 1 2 3 4 5, ये होता है सिक्स डिजिट लीएस्ट नंबर, ठीक है। अब इसी को हमको क्या बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। ये पूछ रहा है कि इसमें हम क्या प्लस कर दें, इसमें हम क्या प्लस कर दें कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। इसमें हम माइनस नहीं कर सकते, माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फाइव डिजिट का बन जाएगा, ठीक है। तो हम इसमें कभी माइनस नहीं करते, लीएस्ट नंबर में हमेशा प्लस करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा सिक्स डिजिट लीएस्ट नंबर क्या होता है, 1 लाख होगा, ठीक है। अब हम इसका क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर यानी कि हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसका स्क्वायर रूट यहाँ पे निकाला हुआ है, कितना इसका निकला है, 360, ठीक है। और ये पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हुआ, इसलिए ये क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और हमको इसी को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, ठीक है। तो ये जब हमने स्क्वायर रूट निकाला तो हमने क्या यहाँ पे ऑब्जर्व किया, यानी दिस शोज दैट, यहाँ पे लिखेंगे दिस शोज दैट 316 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 लाख से यहाँ पे कम आएगा, यानी आप 316 × 316 करेंगे तो क्या होगा, 1 लाख से ये कम आएगा, ठीक है। यानी कि अगर हम इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो इससे यहाँ पे ये कम आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमको ये, हम यहाँ तक स्टेप कर लेंगे, ठीक है। अब हमको क्या करना है, नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर के पास जाना है, ठीक है। यानी कि नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, बस इसके हमको एक आगे बढ़ना है। तो क्या हो जाएगा, 317 आप यहाँ पे लिखेंगे, इसका स्क्वायरिंग करेंगे, ठीक है। और इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपको मिलेगा 100489 आपको यहाँ पे मिलेगा, यानी 317 × 317 करेंगे तो आपको 100489 मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह हम इसका निकालेंगे। हमने यहाँ पे देखा कि हमने लिखा सिक्स डिजिट का लीएस्ट नंबर इतना है और हमने देखा यहाँ पे दिस शोज दैट, ये हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट निकाला तो हमको ये देखने को मिला कि 316 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये 1 लाख से कम होगा, ठीक है। अब हम जाते हैं नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर के पास जाएंगे, यानी 316 है तो अगला क्या होगा, 317, उसका हमने यहाँ पे क्या निकाल दिया, स्क्वायरिंग करके यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हमको पता चल गया कि क्या नंबर जोड़ना है, कैसे देखिए यहाँ पे, हेंस नंबर must be added to 1 lakh to make it perfect square, ठीक है। अब यहां से बहुत ही सिंपल, ठीक है। तो क्या कर देना है आपको, ये वाला नंबर उठाना है 100489 और ये इसमें से आपको इसको माइनस कर देना है, 100000, 1 लाख को माइनस कर देना है, कितना आ जाएगा, 489, ठीक है। तो 489 अगर हम 1 लाख में जोड़ दें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे देयर फोर 100000, ठीक है, प्लस 489 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 100489। अब ये क्या बन चुका है आपका, परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है, ठीक है। किसका परफेक्ट स्क्वायर बन गया है, 317 का, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इसका बोला है कि ऑल्सो फाइंड इट स्क्वायर रूट, तो आपको यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये किसका स्क्वायर रूट है, 317 का ही, ठीक है। तो आप लिखेंगे देयर फोर, अब इसका हम स्क्वायर रूट निकाल देते हैं, 100489, ठीक है, सिंपल है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 317 यहाँ पे आपका हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बहुत ही सिंपल स्टूडेंट, फिर से आप एक बार समझ लीजिए, आपको यहाँ पे सिक्स डिजिट का लीएस्ट नंबर है तो इसमें आपको यहाँ पे लिखा 1 लाख यहाँ पे लिखा, ठीक है। हमने इसका क्या किया, यहाँ पे स्क्वायर रूट निकाल दिया, स्क्वायर रूट निकालने के बाद हमने देखा कि 316 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये 1 लाख से कम आएगा, ये हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया, या दिस शोज, ये हमको यहाँ पे बता रहा है, ठीक।
अब हम क्या जाएंगे, नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर के पास जाएंगे, ये कितना है 316, तो अगला क्या हो जाएगा 317 के पास हम जाएंगे। 317 का हमने स्क्वायर किया तो कितना मिला 100489 हमको यहाँ पे मिला। अब हमको पता चल गया क्या नंबर ऐड करना, क्या करेंगे, हेंस नंबर मस्ट बी एडेड टू 1 लाख टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो क्या करना है हमको 100489 लेना है और इस नंबर को हमको यहाँ पे इसको माइनस कर देना है, तो हमको पता चल जाएगा कि हम इसमें क्या प्लस करेंगे। तो यहाँ पे कितना है 489, तो अब हम क्या करेंगे 1 लाख में 489 प्लस कर देंगे तो ये बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, और फिर हम इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो कितना निकलेगा 317। इसका आपको अलग से स्क्वायर रूट निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये 317 यहाँ पे 10489 और यहाँ पे 10489 है, तो 317 इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो ये कब आया, 2023 में आया। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच मस्ट बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम 7581 टू ऑब्टेन ए परफेक्ट स्क्वायर। तो बोल रहा है कि 7581 में से वो कौन सा सबसे छोटा नंबर हम माइनस कर दें कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, फिर आगे क्या कहता है, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन। ठीक है, और बोल रहा है माइनस करने के बाद जो आपको नंबर मिला है उसका आप स्क्वायर रूट हमको यहाँ पे पता करके बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप करेंगे कि 7581 का इस तरह से आप यहाँ पे स्क्वायर रूट पता कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे कितना रिमाइंडर बच रहा है, 12 बच रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबट्रैक्टेड वाला केस बहुत ही आसान होता है, हमको क्या करना होता है कि बस जो यहाँ पर रिमाइंडर बचा है इसे माइनस कर दीजिए तो ये बन जाएगा आपका परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, लीएस्ट नंबर विच मस्ट बी, यही वाला उतार देंगे, मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7581 टू ऑब्टेन अ परफेक्ट स्क्वायर इज। ठीक है, तो हम इसमें से क्या माइनस करेंगे, 12 माइनस कर देंगे। क्या लिखेंगे, लीएस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7581 टू ऑब्टेन ए परफेक्ट स्क्वायर इज। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इसमें से इसको माइनस कर देना है। ठीक है, सिंपल है, तो माइनस कर देते हैं, देयरफॉर 7581 माइनस 12, तो आप माइनस करते हैं कितना आ जाएगा, यहाँ पे 7569 यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस करने के बाद। ठीक है, तो बोल रहा था, क्या बोल रहा था कि आप इसमें से सबसे वो छोटा नंबर बताइए कि अगर हम इसे माइनस करें तो ये बन जाए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो हमने क्या माइनस कर दिया, इसमें जो रिमाइंडर बचा था वो हमने यहाँ पे माइनस कर दिया तो ये बन गया है परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसी का हमको स्क्वायर रूट पता करना है। तो लिखा है कि ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन, ये नंबर मिला है इसका आप स्क्वायर रूट निकाल के बताइए, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 7569। ठीक है, तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है, ये इसका स्क्वायर रूट होगा, 87 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कर लें। सब्ट्रैक्टेड वाला केस बहुत ही आसान होता है, बस आप इसका जो भी आपको नंबर दिया है इसका आप स्क्वायर रूट पता कीजिए, जो रिमाइंडर बचा है इसमें इसको माइनस कर दीजिए, वो आपका बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, और बाकी जो माइनस करने के बाद जो मिला उसका आप स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, यही वाला उसका स्क्वायर रूट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन कब आया, 2022 में आया है। फाइंड द लीएस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू 5431 टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, 5431 में वो कौन सा सबसे छोटा नंबर प्लस कर दिया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, फिर बोलता है ऑल्सो फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन, और प्लस करने के बाद जो आपको नंबर मिला है उसका आप स्क्वायर रूट यहाँ पे निकाल करके बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे दो ही केस आता है, व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड, व्हाट नंबर मस्ट बी सबट्रैक्टेड। तो सबट्रैक्टेड वाला तो आसान होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 में, ये जस्ट क्वेश्चन नंबर 16 की तरह यहाँ पे हमको इसको करना होगा क्योंकि यहाँ पे केस किसका है, एडेड का केस है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5431 का यहाँ पे स्क्वायर रूट इस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, और आपको दिख रहा होगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक, तो यही बोल रहा है कि आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाइए और वो सबसे छोटा नंबर इसमें प्लस कीजिए तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पे लिखेंगे, दिस शोज दैट 73 का हम स्क्वायर करेंगे तो ये किससे छोटा हो जाएगा, आपका हो जाएगा 5431 से। ठीक है, यानी कि अगर हम 73 आप करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये छोटा पड़ जाएगा किससे, 5431 से। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर के पास। ठीक है, लिखेंगे नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो नेक्स्ट
परफेक्ट स्क्वायर। मैंने बताया था आपको क्वेश्चन नंबर 16 में हमको क्या करना है, इससे एक नंबर और आगे बढ़ना है। तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा 74 का स्क्वायर हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। और जब हम 74 × 74 करेंगे कितना मिलेगा, 5476 हमको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। सिंपल है, हमने इसका स्क्वायर रूट निकाल लिया, ठीक है। दिस वाज 73 × 73 आप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5431 से ये आपका छोटा पड़ जाएगा, यानी कि आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और ये तो है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा, ठीक। तो हम जाएंगे अगले परफेक्ट स्क्वायर के पास, यानी 74 के पास जाएंगे। तो 74 × 74 कितना, 5476, ठीक है। अब वो हमको नंबर मिल जाएगा जब हम इसमें जो हम इसमें ऐड करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे द लीएस्ट नंबर, ठीक है, आप यहां से उतार देंगे द लीएस्ट नंबर दैट विच की जगह आप दैट लिखेंगे, दैट मस्ट बी एडेड टू 5431 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से आप स्क्वायर इस तरह से आप लिख लेंगे, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसको लिखना है 5476 और माइनस कर देना है इसको, ठीक है। क्या लिखेंगे, 5431 यहाँ पे हमने माइनस कर दिया, ठीक। अब जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे कितना बन जाएगा, यहाँ पे 45 बचेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमको क्या करना है, इसमें हमको 45 प्लस कर देना, हमको नंबर मिल गया। तो कौन सा लीएस्ट नंबर है, वो नंबर है 45, जो कि अगर हम इसमें ऐड कर दें तो ये क्या यहाँ बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, ठीक है। देयरफॉर हम यहाँ पे ऐड कर दे रहे हैं 5431 प्लस 45, यहाँ पे प्लस करें कितना जाएगा, 5476 आ जाएगा, यही वाला आपका नंबर यहाँ पे चलेगा, ठीक है। तो हमने पता कर लिया कि वो सबसे छोटा नंबर क्या हम इसमें प्लस करें कि वो बन जाए परफेक्ट स्क्वायर। तो क्या नंबर था, 45 हमने यहाँ पे प्लस कर दिया तो क्या बन गया, 5476, ठीक है। अब हमको इसका क्या करना है, यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। तो निकाल देते हैं, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 5476, ठीक है। आपको इसका निकालने की जरूरत नहीं है, इसका कौन सा होगा, ये वाला होगा, 74 यहाँ पे होगा, ठीक है। 74 × 74 करेंगे तो ये आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। फिर से एक बार इस क्वेश्चन को आप समझ दीजिए, सबसे पहले क्या बोला है कि इसमें हम क्या प्लस कर दें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और ऐड करने के बाद फिर जो हमको नंबर मिले तो उसका आप स्क्वायर रूट यहाँ पे पता कीजिए। तो सबसे पहले हमने इसका स्क्वायर रूट निकाल दिया, ठीक। यहाँ पे क्या मिला मेरे को, 73 मिला, ठीक है। तो आप लिखेंगे दिस शोज दैट 73 का स्क्वायर इज लेस देन 5431, ठीक है। यानी कि ये शो कर रहा है कि आप 73 × 73 करेंगे तो ये क्या पड़ जाएगा, छोटा पड़ जाएगा इससे छोटा पड़ जाएगा, ठीक है। तो हम जाते हैं नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि हमको इसे प्लस करके परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो अगले वाले के पास जाएंगे, तो अगला वाला क्या हमारा है, 74 नंबर है। तो 74 का हमने स्क्वायरिंग किया तो कितना निकला, 5476 निकला, ठीक है। अब यहीं से आपको पता लग जाएगा क्या हमको यहाँ पे प्लस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप ये वाला नंबर लेंगे और ये जो आपको दिया है लेंगे, ठीक है, माइनस कर देंगे, ठीक है। इसमें से इसको आप माइनस कर देंगे, ठीक है। अब हमारा क्या निकल जाएगा, यहाँ पे 45 निकल जाएगा। अब फिर क्या करेंगे, हमको पता चल गया कि कौन सा नंबर हमको इसमें प्लस करना है, क्या है, 45। हमने यहाँ पे 45 प्लस किया तो यही चीज आपको यहाँ पे मिलेगा। फिर हम इसका यहाँ पे स्क्वायर रूट निकाल देंगे, इसका भी आपको निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे दिया ही हुआ है, 74 आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। इस तरह मेरा यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में बाकी हम क्वेश्चन देखेंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।